कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप बढ़िया होंगे और लेक्चर को आप जो है सीरियसली देख रहे होंगे और साथ साथ जो है एनसीईआरटी का भी रीडिंग आप साथ साथ कर रहे होंगे, राइट? चलिए, मैं आज आपके साथ अपने 12th बायोलॉजी का 12th पोर्शन जो बायोलॉजी का है उसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जेनेटिक्स मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ और जेनेटिक्स का टॉपिक आपका डिस्कस करूँगा। लेक्चर 1, लेक्चर 2, इस तरह से बहुत सारे लेक्चर्स इसमें आएंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हम लोग को इसमें, राइट? बहुत बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर जल्दी से जेनेटिक्स का लेक्चर अपलोड कीजिए। चलिए, और भी लेक्चर जो पीछे है वो भी आएगी, आती रहेगी रेगुलर इंटरवल पर, और साथ साथ ये टॉपिक भी अपना चलेगा, राइट? देखिए क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसको हम लोग जेनेटिक्स 1 के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जेनेटिक्स 1 बोलते हैं। और जिसके बाद वाला चैप्टर है ना मोलिकुलर जेनेटिक्स, तो दैट इज जेनेटिक्स 2 बोलते हैं उसको। तो ये जेनेटिक्स वर्ड जो है बार बार सुनने को आया आपके एनसीईआरटी में। चैप्टर क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है, जिसको हम लोग जेनेटिक्स 1 के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें पढ़ेंगे हम लोग मेंडल्स एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, बहुत सारा टर्म यहाँ पर हम लोग को सीखने को मिलेगा। इनफैक्ट जो है हम लोग समझ पाएंगे कि कैसे कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है। ये जो इनहेरिटेंस का प्रॉपर्टी है इसको हम लोग समझ पाएंगे। मेंडल साहब इसके लिए काफ़ी काम किए थे मेंडल साहब, और फर्स्ट टाइम जो है इनहेरिटेंस का जो फेनोमेना है इसको वो एक्सप्लेन कर पाए थे, राइट? चलिए देखते हैं, इसको हम लोग जेनेटिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं इसको? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के नाम से पढ़ेंगे हम लोग। अब क्या है जेनेटिक्स, ये सब बातें यहाँ से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्या है वर्ड इनहेरिटेंस, क्या है ये वेरिएशन? हम लोग नॉर्मली इनहेरिटेंस को क्या बोलते हैं? ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट वन, ठीक है। हम लोग में जो कैरेक्टर्स आया है हम लोग के पेरेंट्स आया है, तो पेरेंट्स से कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होना उसके ऑफस्प्रिंग में, उसके प्रोजिनी में, उनके संतान में क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस। और ये डिग्री ऑफ वेरिएशन के लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग, सॉरी डिग्री ऑफ डिफरेंसेस के लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग वेरिएशन। चलिए देखते हैं आगे आपके लिए क्या क्या चीज़ है आज। ये मेंडल साहब का, अब उस समय तो कैमरा नहीं हुआ करता था, लेकिन ये क्रिएट किया गया है मेंडल को मान करके। कह रहा है कि एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ऑन काइंड, जैसे एलिफेंट है, एलिफेंट के जैसा ही दूसरे प्रोजनी को जन्म देता है। एलिफेंट कभी भी हॉर्स को जन्म नहीं देता है, ह्यूमन बींग को ही प्रोड्यूस करता है, कैट कैट को, डॉग डॉग को। सही बता रहा हूँ मैं। करा व्हाट इज द रीजन फॉर द सिमिलरिटी बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग, हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ हम लोग का मैचिंग होता है, बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी नहीं होते हैं अपने पेरेंट्स के, लेकिन पेरेंट्स से सिमिलरिटी शो करते हैं। क्यों? व्हाई ऑफस्प्रिंग्स आर वेरी सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, ये चीज़ जो है हम लोग इससे टॉपिक में सीखेंगे। और जो ऑफस्प्रिंग है, जो संतानें हैं अपने पेरेंट्स के, वो आपस में सिमिलर भी होते हैं और सम सॉर्ट ऑफ वेरिएशंस भी है उनके पास, डिग्री ऑफ डिफरेंसेस भी है। इस डिग्री ऑफ डिफरेंसेस के पीछे क्या कारण है इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा म्यूटेशन आगे आएगा, ठीक है। ये एलिफेंट बेबी एलिफेंट को ही जन्म देता है,
कह रहा है एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ऑन काइंड, अपने जैसा ही ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है जो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहा है। और क्या रीजन है इसमें, ठीक है, और इसमें क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेस है, हम लोग पढ़ेंगे। अभी देखिए जेनेटिक्स का डिफिनेशन में क्या देते हैं, पूछेगा जेनेटिक्स क्या है, पूछेगा सॉरी ये जेनेटिक्स क्या है, व्हाट इज जेनेटिक्स, तो हम लोग बोलते हैं क्या, इट इज स्टडी ऑफ, इट इज स्टडी ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। तो ये टर्म क्या है, हेरिडिटी, तो यही टर्म यहाँ लिखे हैं हेरिडिटी। क्या है हेरिडिटी, ये इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट वन को रिप्रेजेंट करता है, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट वन। और ये कैरेक्टर को कंट्रोल कौन करता है, याद कीजिए जीन, जीन कंट्रोल करता है कैरेक्टर को। अब ये जीन क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए। अब ये डीएनए क्या है पढ़ेंगे हम लोग, जो जो लेक्चर आगे बढ़ेगी टोटल चीज़ क्लियर होएगा। देखिए इधर लिखे हैं, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड हेरिडिटी। क्या है ये हेरिडिटी, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर, और ये कैरेक्टर कौन कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल बाय, बोलिए कंट्रोल बाय जीन, जीन के द्वारा ये कंट्रोल होता है, राइट। करा क्या, द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस का डिफिनेशन हो गया, क्या सब सीखे हम लोग, जेनेटिक्स में क्या पढ़ते हैं, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन बोलते हैं। अब हेरिडिटी क्या है, तो ये है इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। अब ये इनहेरिटेंस क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर, क्या है, प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट वन, जिस प्रोसेस से कैरेक्टर अपने पेरेंट्स से उनके प्रोजनी में जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। सही है, अब देखिए कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स है, आपके एनसीईआरटी से कंटेंट लिए हैं, आप देख लीजिए क्या चीज है। कह रहा है क्या कि अर्ली एग्रीकल्चरिस्ट 800 से लेकर के 10,000 BC के बीच के आसपास, ये इन लोग को मालूम था कि ये जो वेरिएशंस है ऑफस्प्रिंग के बीच और पेरेंट के बीच, या ऑफस्प्रिंग और ऑफस्प्रिंग के बीच में, उसके पीछे गुड रहस्य है, उसका नाम क्या है, सेक्सुअल प्रोडक्शन, ये उनको मालूम था, लिखा हुआ है। अर्ली एग्रीकल्चरिस्ट न्यू दैट कॉज ऑफ वेरिएशन आर हिडन इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें इन्वॉल्व हिडन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छुपा हुआ है, ये वेरिएशन का रहस्य सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छुपा हुआ है, ये मालूम था। और ये बात आज नहीं पता चला, आज से 10,000 साल पहले की बात है, अब सोच सकते हैं कितना पहले से ह्यूमन बींग को मालूम चल गया था कि ये जो डिफरेंसेस है आपस में है, तो ह्यूमन बींग सभी एक स्पीसीज के मेंबर हैं, होमो सेपियन बोलते हैं ना अपना, तो ये जो सेपियन स्पीसीज है इसका मेंबर
में जो सिमिलरिटी और डिफरेंसेस है इसके पीछे कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बात मालूम था आज से 10,000 साल पहले। करा दे सक्सेसफुली ब्रीड डोमेस्टिकेटेड वैरायटी फॉर द वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल थ्रू सेलेक्टिव क्रॉसिंग एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। और ये लोग जो है शुरू से ही कुछ स्पेशल टाइप का प्लांट प्रोड्यूस किए, दो अलग अलग वैरायटी को क्रॉस करा करके, कुछ एनिमल का भी वैरायटी ब्रीड प्रोड्यूस किए अलग अलग ब्रीड को क्रॉस करा करके। ये बात उनको मालूम था। देखते हैं चिकेन्स इज डोमेस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ वाइल्ड फॉल। चिकन करके कुछ नहीं होता था पहले, लेकिन वाइल्ड उनका जो वैरायटी था उस दो को आपस में क्रॉस करा करके नया वैरायटी बना जिसको चिकन नाम दिए। अब देखिए ये वेरिएशंस क्या है, अभी पढ़े थे ना जेनेटिक्स का डिफिनेशन में, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो दूसरा वर्ड क्या है ये अपना वेरिएशन। क्या है ये वेरिएशन, तो बोलते हैं ये डिग्री ऑफ डिफरेंसेस है। क्या है ये, इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंसेस। डिफरेंसेस अमॉन्ग ऑफस्प्रिंग एंड पेरेंट्स। करा ऑल्दो ईच जनरेशन रिसीव्स कैरेक्टर फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन येट दे आर लिटिल डिफरेंट, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड वेरिएशन। देखिए ये आई का पैटर्न है, आई का कलर है, कहते हैं ब्राउन आई और ये थोड़ी ब्लूइश या ग्रे आई है। ये डिफरेंसेस क्यों आया, ड्यू टू वेरिएशन। तो क्या है, डिग्री ऑफ डिफरेंसेस अमॉन्ग इंडिविजुअल्स या प्रोजेनी के लिए वर्ड यूज करते हम लोग वेरिएशन। ये वेरिएशंस भी दो टाइप का है, एक होता है जेनेटिक या परमानेंट वेरिएशन बोलते हैं और दूसरा होता है टेम्प्रोरी या इन्वायरमेंटली इंड्यूस्ड वेरिएशन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा जो जेनेटिक वेरिएशंस है वो चेंज नहीं होता, वो परमानेंट है। जैसे किसी का एक ही पेरेंट्स के दो मान लीजिए चाइल्ड है, एक का हेयर स्ट्रेट हेयर है एक का कर्ली हेयर है, ये भी वेरिएशंस है। ये ईयर लोब बोलते हैं, फ्री ईयर लोब और अटैच्ड ईयर लोब। देखिएगा ईयर के बेसिस पर भी आपस में लोग अलग अलग हैं, ये फ्री वाला और अटैच वाला। ये टंग का टेस्ट पर भी आता है अलग अलग, ये भी वेरिएशंस को शो करता है। किसी को बोलते हैं वो PTC पेपर होता है उसका टेस्ट पता कर लेता है, किसी को सुबह टेस्ट नहीं पता चलता है, ठीक है। या ये बॉडी हाइट, ये सब क्या है, जेनेटिक वेरिएशंस है और या ये परमानेंट वेरिएशंस है। बॉडी कलर और जो होता है टेम्प्रोरी या इन्वायरमेंटल इंड्यूस्ड वेरिएशन जो होता है वो टेम्प्रोरी है, उस वेरिएशन वो वेरिएशन ट्रांसफ़र नहीं होता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट वन। जैसे इमेजिन कीजिए कि ट्विन्स है एक, ठीक है, और दोनों को सेम अमाउंट में फूड दीजिए तो दोनों का ग्रोथ सेम हो रहा है। एक को ज़्यादा फूड देना शुरू कीजिए मोटा ताज़ा हो जाएगा, दूसरे को कम दीजिए लीन एंड थिन हो जाएगा। ट्विन्स है तो क्या है, जीनोटाइप तो सेम है लेकिन इन्वायरमेंटली इंड्यूस्ड वेरिएशन नज़र आने लगा, एक मोटा ताज़ा हो गया एक दुबला पतला हो गया, राइट। देखिए यहाँ पर डिफिनेशन लिखा हुआ है, क्या है, डिग्री ऑफ डिफरेंसेस इन द प्रोजिनी दैट इज कॉल्ड ऑफस्प्रिंग एंड बिटवीन प्रोजिनी एंड पेरेंट्स। क्या है, जैसे समझ लीजिए कि ये मेल है ये फीमेल है, पेरेंटल जनरेशन है ये। क्या है, ये पेरेंटल जनरेशन। अब यहाँ से स्पर्म प्रोड्यूस हुआ, यहाँ से ओवम प्रोड्यूस हुआ और इनका जो है मान लीजिए कि एक मेल चाइल्ड हुआ, इसको इस फीमेल चाइल्ड हुआ,
फिर मेल चाइल्ड हुआ और एक फीमेल चाइल्ड हुआ। तो ये जो चाइल्ड है आपस में, ये तो क्या है, सिबलिंग्स है। सिबलिंग्स बोलते हैं ऑन ब्रदर एंड सिस्टर के लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग, सिबलिंग। तो क्या ये सब आइडेंटिकल है, होना तो चाहिए क्योंकि ये सभी एक ही मदर फादर के संतान हैं, है ना। लेकिन ये सब एक जैसा नहीं होता है। अपने घर में देख लीजिए ना, अगर आप दो भाई तीन भाई बहन हैं तो क्या सभी एक जैसे हैं? ये जो डिफरेंसेस है ना, डिग्री ऑफ डिफरेंसेस, दैट इज ड्यू टू वेरिएशन, राइट। और ये जो है ये आपस में तो वेरिएशन शो करता ही करता है, ठीक ना। ये मेल है तो मेल मेल के बीच वेरिएशन है, फीमेल फीमेल के बीच वेरिएशन है, मेल फीमेल के बीच वेरिएशन है। सभी तो है एक ही पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग, रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। तो हम लोग अपने मदर फादर के ऑफस्प्रिंग हैं। तो क्या ये आपस में तो डिफरेंस रखते ही रखते हैं, क्या ये जो है अपने पेरेंट के साथ भी डिफरेंसेस रखते हैं? तो ये जो डिग्री ऑफ डिफरेंसेस है अमॉन्ग ऑफस्प्रिंग, मेंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग एंड ऑफस्प्रिंग एंड पेरेंट्स ड्यू टू वेरिएशंस, द टर्म वेरिएशन इज आल्सो यूज फॉर सिंगल डिफरेंट इन ट्रेट। एक कैरेक्टर में भी अगर डिफरेंसेस है तो दैट इज ड्यू टू वेरिएशन। जैसे मेल फीमेल में डिफरेंसेस, वेरिएशन। अब देखिए यहाँ पर अभी लिख दिए थे उधर हम जेनेटिक्स क्या है ये, तो साइंटिफिक इनहेरिटेंस इज नोन एज जेनेटिक्स, साइंटिफिक स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, या और भी तरीका से बोलते हैं स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, स्टडी ऑफ हेरिडिटी। अभी देख चुके थे हेरिडिटी एंड वेरिएशन। स्टडी ऑफ क्या है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, है ना। ये जेनेटिक्स, या इसको बोलते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस नॉन एज जेनेटिक्स, अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। ये जो टर्म है जेनेटिक्स का, ये कौन दिया था, तो बैटसन दिया था, विलियम बैटसन। टर्म जेनेटिक्स वाज क्वाइंड बाय विलियम बैटसन, ठीक है। कुछ और भी है इन्फॉर्मेशन आपके लिए, आप देख सकते हैं हमारे इस बोर्ड से। देखिए यहाँ लिखे हैं टर्म जेनेटिक्स कौन दिया था, टर्म जेनेटिक्स कौन यूज किया था, बैटसन, विलियम बैटसन। कब किया था, तो 1906 में, ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स जी जे मेंडल, अभी देख चुके हैं। फादर ऑफ ड्रोसोफिला जेनेटिक्स, कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, टी एच मॉर्गन, मॉर्गन को बोलते हैं फादर ऑफ ड्रोसोफिला जेनेटिक्स। और क्या है, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, याद रखिएगा ये ए ई गैरोट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ए ई गैरोट फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। अब यहाँ लिखे हैं क्या है, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब ये हेरिडिटी क्या है, तो यही देख रहे हैं, इनहेरिटेंस वर्ड आया, इनहेरिटेंस और ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर लिखे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट वन, है ना, या इनहेरिटेंस और ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, ऐसे भी बोलते हैं, राइट। यही थे विलियम बैटसन साहब, ये डेट भी याद रखिएगा और ये बैटसन को याद रखिएगा, टर्म कौन दिया था जेनेटिक्स, तो विलियम बैटसन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं मेंडल साहब को, देखेंगे आगे। अब देखिए ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स, इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, ट्रांसमिशन जेनेटिक्स बोलते हैं, मोलिकुलर जेनेटिक्स बोलते हैं, और तीसरा पॉपुलेशन जेनेटिक्स।
ये थ्री सब हेडिंग के तहत हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। ये ट्रांसमिशन जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसमिशन या ट्रांसफ़र ऑफ जीन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट वन, ट्रांसमिशन जेनेटिक्स। दूसरा क्या है, मॉलिकुलर जेनेटिक्स, इसमें हम लोग फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन पढ़ेंगे, जीन का फाइन स्ट्रक्चर। जीन क्या है, तो सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो करता है कंट्रोल पर्टिकुलर कैरेक्टर को, और ये जीन का भी फाइन स्ट्रक्चर है, सिस्ट्रॉन रेकॉन म्यूटॉन पढ़ेंगे आगे। तो ये मॉलिकुलर जेनेटिक्स में हम लोग जब सेकेंड चैप्टर हम लोग का जेनेटिक्स टू होगा वहाँ आएगा वो चीज़। और ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स, इसमें हम लोग मेंडल लॉ एंड अदर प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स टू पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में अप्लाई करेंगे, मतलब ट्रांसफ़र कैसे होता है कोई कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में या पॉपुलेशन में, इसमें पढ़ेंगे हम लोग पॉपुलेशन जेनेटिक्स में। इट डील्स विद द अप्लीकेशन ऑफ मेंडल्स लॉ, पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हम लोग मेंडलियन लॉ के बारे में पढ़ेंगे। मोलिकुलर जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे फाइन स्ट्रक्चर, इट डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन एट मोलिकुलर लेवल। और ये क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ जीन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट वन, ध्यान रखिएगा, राइट। तीनों इम्पोर्टेंट, तो ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स थ्री पार्ट में करके हम लोग पढ़ेंगे, क्या है ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, मोलिकुलर जेनेटिक्स और तीसरा पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ध्यान रखिएगा बात को। ये कह रहा है मेंडल से पहले भी जेनेटिक्स के ऊपर बहुत सारा काम हुआ था, दैट इज प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट बोलते हैं, प्री मेंडेलियन आइडिया अबाउट इनहेरिटेंस। चार पांच आइडिया है जो कि पढ़ना नहीं है अपने सिलेबस में, मैं कट कर दिया हूँ, ज़रूरी नहीं है उतना आपके सिलेबस से, वो सब बाहर है। लॉ ऑफ ब्लेंडिंग दिया गया था, देखते हैं, दे आर ऑफन कॉल्ड थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस एज दे बिलीव दैट कैरेक्टर ऑफ द पेरेंट ब्लेंडेड और गोट मिक्स ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ द ऑफस्प्रिंग। थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग में बोला गया था कि मदर का कैरेक्टर फादर कैरेक्टर दोनों मिक्सअप हो जाता है, और वो मिक्स होने के बाद या ब्लेंड होने के बाद वो ट्रांसफ़र होता प्रोजनी में, क्या ऐसा सही है? और ऐसा सही रहता है, कैरेक्टर मिक्स हो जाता है ब्लेंड हो जाता, तो फिर क्या होता कि दादा के जैसा कैरेक्टर उधर देखने को नहीं मिलता, कैरेक्टर क्या होता है सेग्रीगेट करता है। हम लोग पढ़ेंगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे। देखिए ये जी जे मेंडल या ग्रिगोर जोहेन मेंडल, ये मेंडल साहब का आपके लिए जो है डायग्राम मैं ढूंढ के लाया हूँ। क्या बोलते हैं, इसका जन्म कब हुआ था, तो 1822, और इसका डेथ हो गया था 1884 में, ठीक है, ये डेथ का टाइम और ये बर्थ। साठ बासठ साल जिंदा रहे थे, ठीक है, 62 ईयर्स, ठीक है, एज क्या था इसका, एज 62 ईयर्स, 62 ईयर्स के उम्र में ये चल बसे दुनिया से। इसको बोलते हैं हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स, हजार बार पूछा जाता है, इसको भूलना नहीं है, फादर ऑफ जेनेटिक्स जी जे मेंडल, राइट, ध्यान रखिएगा, मेंडल साहब को भूलना नहीं है, बहुत बड़ा योगदान है मेंडल साहब का। अब देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, इनका जन्म कहाँ हुआ, तो कह रहा है ही ग्रू अप ऑन ए फार्म इन हाइंसी, पहले इसको जो है हेंजन ड्रुप बोला जाता था, जो कि पहले ऑस्ट्रिया का पार्ट हुआ करता था, लेकिन अभी कहाँ चला आया है, तो चेक रिपब्लिक में,
कुछ इन्फॉर्मेशन है इसको ध्यान में रखना आपको, ठीक है। कहाँ वो बड़ा हुआ, पला बढ़ा कहाँ, तो वो हैंसी जगह है जिसको पहला नाम क्या था, हाइनजेंड्रुफ पहला नाम था, उसी का अभी का नाम क्या हो गया, हैंसी। और ये आता था ऑस्ट्रिया कंट्री में, जो कि अब चेक रिपब्लिक का पार्ट है, ठीक है, चेक रिपब्लिक, चेकोस्लोवाकिया। कहता है क्या कि मेंडल का फादर फार्मर थे और वो अपने ऑर्चार्ड में, अपने बगीचा में प्लांट के साथ, अपने फादर के साथ मिलकर के प्लांट के साथ छेड़छाड़ किया करते थे। छेड़छाड़ मतलब ग्राफ्टिंग वगैरह काम किया करते थे। तो चूँकि बचपन से प्लांट और एनिमल के साथ रहने का मौका मिला, चूँकि फादर एनिमल हस्बेंड्री में बिलीव करते थे, और इस वजह से क्या हुआ, मेंडल को इंटरेस्ट जगह अपने नेचर के आसपास, नेचर के बारे में, अपने सराउंडिंग्स के बारे में उसको काफ़ी क्यूरियोसिटी होने लगा, चूँकि बचपन का एनवायरनमेंट वैसा मिला। करा रूरल अपब्रिंगिंग, गांव का वातावरण, चूँकि गांव से था वो, टॉट हिम प्लांट एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड इंस्पायर्ड एन इंटरेस्ट इन नेचर। चूँकि गांव से था, ग्रामीण परिवेश से आया था, तो उसको जो है नेचर और आसपास में जो एनिमल और प्लांट था उसमें इसका रुचि काफ़ी था। क्यों, शहर के बच्चे तो उनको तो अलग ही शौक होता है, ग्रामीण बच्चे चूँकि उस परिवेश में पलते बढ़ते हैं जहाँ पेड़ पौधा, बहुत सारे एनिमल्स के साथ उनको क्लोज कंटेक्ट में आने का मौका मिलता है, तो इनके साथ भी वही चीज़ था, राइट। मेंडल का ये उनका ऑर्चार्ड बगीचा, ऐसे एक क्लिप समझने के लिए मैं लाया हूँ यहाँ से। देखिए ये जो मेंडल अपना एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट के ऊपर, और पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट ये लगभग 7-8 साल 1956 से लेकर के 1964 तक, लगभग 8 ईयर के आसपास वो एक्सपेरिमेंट किए, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन का काम किए, और अपना रिजल्ट पब्लिश किए थे 1966 में। कब किए थे, 1966 में जो वो रिजल्ट फाइंड किए थे अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा, उसको वो पब्लिश किए थे कहाँ, द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुन, ये जर्नल हुआ करता था उस समय, जर्नल जैसे मैगजीन, लोकल मैगजीन में वो अपने एक्सपेरिमेंटल डाटा को वो पब्लिश किए, कौन, मेंडल साहब, 7-8 साल वो अपना एक्सपेरिमेंट किए पी प्लांट के ऊपर। क्यों किए पी प्लांट के ऊपर, पी प्लांट ही क्यों सेलेक्ट किए, उसका भी कारण है, देखेंगे अभी आगे हम लोग। कह रहा है मेंडल चूँकि 62 ईयर्स के एज में डेथ हो गया उनका, और उनका जो फाइंडिंग्स था, रिजल्ट था, वर्ल्ड वाइड नहीं हो पाया, लोग उसको रिकॉग्नाइजेशन नहीं दे पाए, चूँकि वो बहुत बड़ा फिगर नहीं थे उसमें, चार्ल्स डार्विन बहुत बड़ा फिगर हुआ करते थे, तो जो कुछ वो बोलते थे उनके बारे में लोगों का क्यूरियोसिटी ज़्यादा होता था। और चूँकि ये अपने एक्सपेरिमेंट में मैथमेटिकल डाटा, स्टैटिकल डाटा का यूज किए थे, इस वजह से बहुत लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या चीज़ है ये, बायोलॉजी में स्टैटिकल डाटा का क्या काम है भाई। तो इनके रिजल्ट को, इनके फाइंडिंग्स को नज़रअंदाज कर दिए सभी लोग, राइट। हाँ, उनके पब्लिकेशन मतलब 1966 में वो पब्लिश हुआ उनका फाइंडिंग्स, वो जर्नल क्या था, नेचुरल सोसाइटी हिस्ट्री ऑफ ब्रुन, लेकिन उतना रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला। 34-35 साल के बाद 1901 में 3 साइंटिस्ट अलग अलग कंट्री के, उनका नज़र पड़ा उनके जर्नल पर, जर्नल मैगजीन होता है, साइंटिफिक मैगजीन को जर्नल बोलते हैं,
जो कुछ साइंटिस्ट लोग अपना फाइंडिंग्स करते हैं उसमें छाप देते हैं और लोग देखते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ था उस समय। तो उनके जर्नल को 3 साइंटिस्ट अलग अलग टाइम में पढ़े और तीनों मिल करके उन बोलते हैं क्या, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म हुआ। मेंडल के कॉन्सेप्ट को फिर से रिकॉग्नाइजेशन मिला जो लोग भुला दिए थे। इसके बाद मेंडल साहब काफ़ी फेमस हुए। तो मरने के बाद जिंदा में कोई उनको नहीं जानते थे, राइट। देखिए इन 1900, ठीक है, क्या है साइंटिस्ट का नाम, इहरिच वॉन टेसरमार्क। क्या है, टेसरमार्क बोलते हैं, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल, मेंडेलियन वर्क। रिजल्ट्स बाय 3 साइंटिस्ट थे इसमें, टेसरमार्क बोलते हैं। टेसरमैक और ह्यूगो डिवेरिस। ह्यूगो डिवेरिस और तीसरा साइंटिस्ट है कार्ल कोरिन्स बोलते हैं। ये तीनों साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा। कौन सा साल में, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, 1900 साल, ठीक है, 1900 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आफ्टर 34 ईयर्स मेंडल के पब्लिकेशन के बाद, इस बीच में 1884 में मेंडल का डेथ हो गया, राइट। इट वाज रिपब्लिश्ड इन 1901 इन फ्लोरा बाय ह्यूगो डिवेरिस। ये ह्यूगो डिवेरिस मेंडल के रिजल्ट को रिपब्लिश किए, इसके बाद फेमस हुए थे मेंडल ज़्यादा। ये देखिए मेंडल का यहाँ पर मैं उनका डाटा कोशिश किया हूँ कि देखिए इस तरह से डाटा वो लाए थे। वहाँ क्या लिखा समझने जरूरत नहीं है, बस समझिए कि हाँ कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स जो लिखे थे वो उनका वो डाटा था। ये देखिए मेंडल गार्डन दिखा रहे हैं, ये उस समय का गार्डन है मेंडल का, जहाँ रहते थे। मेंडल मैथ से ग्रेजुएट थे और मैथ में ही कुछ करना चाह रहे थे, लेकिन मैथ में अनसक्सेसफुल रहे। फिर जो है वो घर से भागे, मॉन्क बन गए, पादरी, और जाकर के चर्च में रहने लगे। चर्च के आसपास फील्ड हुआ करता है, उनका कुछ ज़मीन था, बैठ करके ऐसे सोचा करते थे अपने करियर के बारे में कि भाई क्या थे, क्या हो गए, क्या करना है, कुछ मालूम नहीं। ऐसे देखते खोए रहते थे अलग संसार में। एक रोज़ जो है उनका गार्डन में उगने वाले पी प्लांट पर नज़र पड़ा, तो देखा पी प्लांट में काफ़ी वेरिएशंस है। तो सभी पी प्लांट ही, लेकिन किसी का हाइट लंबा है, कोई छोटा है, किसी का फ्लावर कलर रेड है या पर्पल है, किसी का वाइट है। फिर सीड को लेकर के डिफरेंसेस नज़र आया उनको। मटर का छिम्मी जिसको पोड बोलते हैं, पोड का शेप को लेकर के डिफरेंसेस नज़र आया। तो वो सोचा क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे क्या कारण है। फिर इनको इस रहस्य को जानने का कोशिश किए वो, और इस रहस्य को जानने के दौरान वो कुछ रूल्स दिए, कुछ लॉ दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, पढ़ेंगे हम लोग आगे, ठीक है। तो मेंडल का फाइंडिंग हम लोग पढ़ना आगे। तो देखिए उसका गार्डन अगस्तियन मोनेस्ट्री ऑफ सेंट थॉमस बोर्न, चेक रिपब्लिक। अभी बताया ना जो ऑस्ट्रिया का पार्ट था, अभी क्या है चेक रिपब्लिक में चला गया है। और पहले का ये गार्डन हुआ करता था उसका, चर्च के अंदर गार्डन था, अभी उनका ये रूप है। ऐसे आपके लिए ब्यूटीफुल क्लिप
कि समझिए आपको उस दौर में ले जाना चाहते हैं, मेंडल के साथ कोरिलेट कीजिए, इसको दिखाने के पीछे ही कारण है। ये मेंडल का गार्डन देखिए लिखा हुआ है, जॉर्ज जोहेन मेंडल, ठीक है। और क्या थे ये, डिस्कवरर ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिडिटी, लॉ ऑफ हेरिडिटी के डिस्कवरर थे, लॉ ऑफ हेरिडिटी के डिस्कवरर थे मेंडल, ये लिखा हुआ है स्मारक पर, राइट। अब ये मेंडल साहब एक्सपेरिमेंट की कहानी बताए ना अभी कि खोए हुए थे अलग दुनिया में, तो वो एक्सपेरिमेंट किए थे ये गार्डन पी प्लांट पर। और ये पी प्लांट ही क्यों सेलेक्ट किए, ये क्वेश्चन आता है। और भी कोई प्लांट सेलेक्ट कर सकते थे गार्डन में, तो और भी प्लांट होता है ना। अच्छा बताइए, मेंडल जो है डॉग को क्यों नहीं लिया, डॉग भी तो हुआ करता था एज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, ह्यूमन बींग को क्यों नहीं सेलेक्ट किया वो, सोचिएगा, मैं बताऊंगा वैसे आगे। मेंडल सेलेक्टेड गार्डन पी बिकॉज प्योर वैरायटी ऑफ पी वेयर अवेलेबल, पी प्लांट का प्योर वैरायटी, प्योर वैरायटी मतलब क्या होता है, टॉल है तो प्योर टॉल है, बड़ा टी वाला टॉल, और ड्वार्फ है तो प्योर ड्वार्फ है, वैसे ड्वार्फ हमेशा प्योर ही होता है, छोटा टी वाला, तो प्योर वैरायटी उपलब्ध है, उपलब्ध था पी प्लांट का। तो ये भी एक मकसद था पी प्लांट को सेलेक्ट करने के पीछे। करा इट सॉ नंबर ऑफ इजिली डिटेक्टेबल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, पी प्लांट में इजिली डिटेक्टेबल कंट्रास्टिंग, एक दूसरे का अपोजिट अल्टरनेट बोलते हैं, कैरेक्टर उपलब्ध था। ये दो कारण तो था ही था, और भी कारण है, अभी देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इधर ये पी प्लांट का आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। ये फ्लावर है पी प्लांट का, ये टेंड्रिल है, लीफलेट्स है, पी प्लांट देख लीजिए, बिल्कुल रियल पी प्लांट का आभास होगा। अभी बोलते हैं पी प्लांट के बारे में, तो डायग्राम बहुत लोग जो शहर में रहते हैं बच्चे, उनको नहीं आता है दिमाग में डायग्राम, गांव के बच्चे को तो आ जाता है, शहर वाले बच्चे को थोड़ी परेशानी होती है। तो देखिए पी प्लांट ऐसा ही कुछ होता है, और ये फ्लावर, फ्लावर का अलग अलग पार्ट्स हम लोग पढ़ चुके हैं उधर, राइट। सॉरी, करा मेंडल सेलेक्टेड गार्डन पी बिकॉज पी फ्लावर नॉर्मली रिमेंस क्लोज्ड एंड अंडरगो सेल्फ पोलिनेशन। ये जो पी फ्लावर है बायसेक्सुअल फ्लावर है, क्या है, बायसेक्सुअल है, एक ही फ्लावर के अंदर मेल फीमेल है तो बायसेक्सुअल हो गया। और ये फ्लावर क्लोज कंडीशन में रहता है, और क्लोज कंडीशन में रहने की वजह से क्या होता है, इसमें सेल्फ पोलिनेशन भी होता है। लेकिन हम लोग सेल्फ पोलिनेशन तो उसमें होना ही होना है, लेकिन उसको हम लोग क्रॉस पोलिनेशन भी करा सकते हैं, कंट्रोल्ड क्रॉस पोलिनेशन करा सकते हैं। तो मेंडल इस वजह से ही सिलेक्ट किया था कि पी फ्लावर नॉर्मली रिमेंस क्लोज्ड एंड अंडरगो सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन दोनों होता है इसमें, इस वजह से ये सिलेक्ट किया था, इनका इम्पोर्टेंस है, देखेंगे अभी आगे। इट अलाउ कंट्रोल ब्रीडिंग, ठीक है, हम लोग जो है अपने डिजायर्ड के अकॉर्डिंग उसका ब्रीडिंग करवा सकते हैं पी प्लांट का। और इसका लाइफ स्पान भी क्या है, शॉर्ट लाइफ स्पान है, 3 से 4 महीने में पी प्लांट अपना पूरा लाइफ साइकिल पूरा कर लेता है। अगर डॉग करते तो लाइफ स्पान ज़्यादा है, उनका ब्रीडिंग पीरियड को वेट करना पड़ता साल भर। अभी तो छोटा डॉग है तो तुरंत तो रिप्रोडक्टिव एज में आएगा नहीं, पता चला कि डॉग का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के रूप में यूज करने में बहुत लंबा समय लगता है उसको रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए। पी प्लांट का लाइफ स्पान छोटा है, इससे भी बेटर ऑप्शन मिला था मॉर्गन को, याद कीजिए ड्रोसोफिला,
पी प्लांट से बेटर एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है वो, क्योंकि मेंडल साहब पी प्लांट को सेलेक्ट किए थे। तो इसके पीछे कारण क्या था, एक तो प्लांट क्या था, सेल्फ पोलिनेशन साथ साथ क्रॉस पोलिनेशन को भी शो करता था, दूसरा किसका लाइफ स्पान छोटा था, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर था बहुत अलग अलग तरह का, इनफैक्ट 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर अल्टरनेट कैरेक्टर, टॉल तो ड्वार्फ, बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट कैरेक्टर बोलते हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, इसका यूज किए वो। कह रहा है कि कौन कौन सा कैरेक्टर सेलेक्ट किए थे मेंडल, राइट, ही वर्क विथ ओनली 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर, 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर वो लेके चले थे। और मेंडल क्या कंडीशन अप्लाई किए थे, पेरेंट्स क्या होना चाहिए, तो होमोजाइगस होना चाहिए। अब ये होमोजाइगस वर्ड क्या है, हेटरोजाइगस वर्ड क्या है, मैं आपको अपने दूसरे बोर्ड पे लेके चलता हूँ, होमोजाइगस क्या है, हेटरोजाइगस क्या है, समझेंगे फिर यहाँ आएंगे। देखिए यहाँ पर आपके लिए है, ये तो वेरिएशन अभी देख चुके हैं हम लोग, राइट, ये सब पढ़ चुके हैं, अभी देख लीजिए क्या है यहाँ पर, इन्वायरमेंटली इंड्यूस्ड वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन, बॉडी हाइट, बॉडी कलर, है ना, देखिए देख चुके हैं अभी, कलर है, हेयर कलर है, हेयर स्टाइल है, हेयर स्टाइल कर दीजिए इसको, ठीक है, क्या है ये, हेयर स्टाइल कर दीजिए, वही किसी का घुंघराला है, किसी का स्ट्रेट हेयर है, आँख का कलर अभी देखे थे ना उधर, ब्राउन आई और ब्लैक आई, और देखिए ये क्लाइमेटिक में बताए थे अभी कि ये ट्विन्स है, खाना इसको जब उनके मिला, देखिए मोटा ताज़ा हंस रहा है और ये बेचारा रो रहा है ना, और फिर देखिए कंडीशन उलट दिए, तो ये क्या है, इन्वायरमेंटली इंड्यूस्ड वेरिएशन है, राइट, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर एक बात जो अभी हम चर्चा किए थे आपके साथ, कि ये जो जीन है कैसे कंट्रोल करता है कैरेक्टर को, राइट, हाउ जीन कंट्रोल कैरेक्टर, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करता है, जीन मतलब डीएनए का सेगमेंट क्या करता है, आरएनए बनाता है, क्या करता है ये, आरएनए बनाता है, अभी देखेंगे इधर, ये देख रहे हैं आरएनए बनाता है, क्या बनाता है, आरएनए बनाता है ये, राइट, फिर आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, प्रोटीन एंजाइम बनाने काम करता है, एंजाइम मेटाबॉलिक रिएक्शंस में भाग लेता है, और जैसा मेटाबॉलिक रिएक्शंस वैसा कैरेक्टर होता है, तो क्या हुआ, ये जीन कंट्रोल किया कैरेक्टर, है ना, कैरेक्टर क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन, इट इज कंट्रोल्ड बाय जीन, कैरेक्टर कौन कंट्रोल करता है, तो जीन करता है, कैसे, तो ये इनडायरेक्टली, राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपके लिए। हाँ, ये कुछ टर्म है, ये जीन टर्म कौन दिया, जीनोटाइप कौन दिया, फिनोटाइप कौन दिया, प्योर लाइन टर्म कौन दिया, ध्यान रखना, जोहेंसन, राइट, ये टर्म जेनेटिक्स कौन दिया, होमोजाइगस कौन दिया, हेटरोजाइगस कौन दिया, F1, F2, एलील, ये सब टर्म कौन दिया, तभी बड़े थे ना बैट्सन, याद रखिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए ऑफस्प्रिंग किसको बोलते हैं, अभी उधर आया था वर्ड ऑफस्प्रिंग, रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वर्ड हम लोग ऑफस्प्रिंग यूज करते हैं, और क्लोन यूज करते हैं रिजल्ट ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग क्लोन, हम लोग अपने मदर फादर के ऑफस्प्रिंग हैं, रिजल्ट ही तो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, मदर फादर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ दैट इज कॉल्ड ऑफस्प्रिंग, राइट, देखिए ये मेल फीमेल गैमेट प्रोड्यूस किया, यहाँ क्या कहलाएगा गैमेट, क्या कहलाएगा गैमेट, यहाँ पर ये मेल गैमेट को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पर्म बोलते हैं ना, स्पर्म, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर,
स्पर्म, इधर से क्या है ये फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, एग बोलते हैं हम लोग, एग बोलते हैं, है ना, ये एग फ्यूज किया क्या बना जायगोट, और ये जायगोट से ही डेवलपमेंट होता है किसका, इम्ब्रियो का, और इम्ब्रियो डिफरेंशिएशन में भाग लेता है, अलग अलग थ्री जर्म लेयर का फॉर्मेशन, और फिर अलग अलग थ्री जर्म लेयर से अलग अलग ऑर्गेन का डेवलपमेंट होता है, और फाइनली ऑर्गेन सिस्टम, फिर इंडिविजुअल, ऐसे ही तो है इंडिविजुअल दैट इज ऑफस्प्रिंग। अब देखिए क्लोन वर्ड यूज किए थे अभी, क्लोन क्या बोले थे, रिजल्ट ऑफ एसेक्सुअल, यूजुअली यूज फॉर वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलिए या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होता है क्लोन, और ये म्यूटेशन टर्म ही बार बार यूज होगा, कुछ टर्म है जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ साथ साथ, म्यूटेशन सडन चेंज, सडन एंड इनहेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मेकअप बोलते हैं, सडन एंड परमानेंट चेंज इन जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक मेकअप मतलब जो जीन का स्ट्रक्चर है, जीन का संरचना हम लोग के बॉडी में, जीन क्या करता है, कंट्रोल करता है कैरेक्टर, तो कैरेक्टर कंट्रोल करने वाला में ही कुछ चेंजेज आ गया सडन, वो चेंज अलग अलग कारणों से हो सकता है, हम लोग देखेंगे आगे। देखिए इट इज सडन परमानेंट इनहेरिटेबल चेंज इन कैरेक्टर, याद रखिएगा क्या है, इनहेरिटेबल चेंज इन कैरेक्टर है, कह रहा मोस्ट ऑफ द म्यूटेशन आर, मैक्सिमम म्यूटेशन कैसा नेचर का होता है, डोमिनेंट होता है कि रिसेसिव होता है, सोचिए मैक्सिमम म्यूटेशन, बहुत सारा म्यूटेशंस होते रहता है हम लोग के बॉडी में, लेकिन वो हमेशा एक्सप्रेस नहीं करता है, हाँ बहुत थोड़ा होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द म्यूटेशन तब क्या बोलेंगे, रिसेसिव नेचर का होता है, एक्सप्रेस नहीं है, सॉरी नॉट एक्सप्रेस्ड, डोमिनेंट रिसेसिव, तो रिसेसिव का नॉट एक्सप्रेस्ड लिखेंगे, यूजफुल है कि हार्मफुल है, तो मोस्ट ऑफ द म्यूटेशन क्या है, हार्मफुल है, ठीक है। और ये म्यूटेशन थ्योरी कौन दिया था, तो ह्यूगो डेवेरिस, अभी आया था ना उधर, थ्री साइंटिस्ट रीडिस्कवरी किए थे मेंडल का, राइट, अभी देखे थे यहाँ पर आया था हम लोग को, यहाँ पर आया था ह्यूगो डेवेरिस, याद कीजिए इधर, आया था ना ह्यूगो डेवेरिस, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल करने वाला जो साइंटिस्ट है यहाँ पर ह्यूगो डेवेरिस, यही ह्यूगो डेवेरिस साहब म्यूटेशन थ्योरी भी दिए हैं, और वो एक्सपेरिमेंट किए थे, प्लांट का नाम था ओइनोथेरा लमार्कियाना, राइट, चलिए यहाँ देख रहे थे, अब आ जाइए फिर वहाँ से, देखिए क्या है ये प्लांट का नाम याद रखिएगा, ओइनोथेरा लमार्कियाना, राइट, ये कलर मैं अलग कर देता हूँ, क्या है नाम, ओइनोथेरा लमार्कियाना, इम्पोर्टेंट है ये, याद रखिएगा ये ओइनोथेरा लमार्कियाना, इवनिंग प्राइमोज भी बोलते हैं, इसी के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट किए थे म्यूटेशन वाला, राइट, जेनेटिक्स है भाई, इसमें थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, राइट, मैं बोलूँगा हर कुछ, कुछ भी कमी नहीं रहेगा, राइट। एक टर्म है एटाविजम, क्या होता है एटाविजम, ये रीअपेयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर को बोलते हैं, किसी भी जनरेशन में उनके पेरेंट मतलब दादा परदादा का कोई कैरेक्टर अगर एक्सप्रेस हो गया, तो जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एटाविजम, इट इज सडन रीअपेयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर, जैसे किसी किसी बच्चे में टेल होता है, पूंछ हो जाता है, ये पूछ का आना, या लायंस बॉय बोलते हैं,
गर्दन पर बड़ा बड़ा हेयर हो जाता है, रसिया में मिला था लायंस बॉय, तो वो ड्यू टू एटाविज्म बोलते हैं, सडन रीअपीयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर, ध्यान रखिएगा है ना, प्रेजेंस ऑफ टेल इन सर्टेन चाइल्ड और ये लायंस बॉय कहाँ पर, रसिया में, याद रखिएगा रसिया। अब ये लिंकेज वर्ड क्या है मैं इसको डिफाइन करेंगे, देखते हैं आगे। चलिए, करा पेरेंट्स आर होमोजाइगस, सॉरी पेरेंट्स आर होमोजाइगस, ये होमोजाइगस टर्म को मैं आपको डिफाइन करना था ना मुझे, चलिए कोशिश करता हूँ मैं यहाँ समझाने का, वैसे आगे भी आएगा ये चीज़। जैसे क्या कोई प्लांट है, मान लीजिए कि इस तरह का उसका जीनोटाइप है, टी टी है, क्या है, टी टी है, ये दोनों एलील क्या है, सेम है। अब एलील क्या है ये सब टर्म अभी समझाएंगे, तो ये होमोजाइगस को रिप्रेजेंट करता है, और इस टाइप का चीज़ है तो इसको बोलते हैं हम लोग हेट्रोजाइगस। टर्म बस ध्यान रखिए, फिर एक्सप्लेन करेंगे आगे, बहुत डिटेल में ये सब चीज़ आएगा। कह रहा ईच जीन हैज़ टू एलील्स, अब देखिए क्या है, इसको समझिए, इसको समझना है, कैसे समझेंगे भाई। कह रहा ईच जीन हैज़ टू एलील, एलील को ही मेंडल फैक्टर बोला था या फैक्टर ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल के ज़माने में जीन के बारे में पता नहीं था, तो मेंडल जो आज का जीन है ना उसके लिए टर्म यूज किया था फैक्टर, फैक्टर इक्वेलेंट टू जीन। देखिए इधर मान लीजिए कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर है हाइट, हाइट क्या है, कैरेक्टर है, हाइट कैरेक्टर है। इस हाइट को रिप्रेजेंट करने वाला दो फॉर्म है, एक है टॉल, टॉल भी क्या है, हाइट को ही रिप्रेजेंट करता है, और ड्वार्फ, ड्वार्फ भी क्या है, हाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये टॉल के लिए टी वर्ड यूज करते हैं और इसी का छोटा ये वाला फॉर्म यूज करते हैं। तो हाइट जीन का ये टी और स्मॉल टी आपस में क्या कहला रहा है, एलील का रहा, तो एलील बोलते हैं हम लोग। ये एलील के लिए एक डिफिनेशन देते हैं क्या, वेरियस फॉर्म ऑफ ए जीन, वेरियस फॉर्म्स ऑफ अ जीन, जीन का एक से अधिक फॉर्म, या अल्टरनेट फॉर्म भी बोलते हैं, अल्टरनेट फॉर्म, अल्टरनेट फॉर्म बोलते हैं, फॉर्म्स ऑफ जीन, राइट, अल्टरनेट फॉर्म, ये बड़ा ये छोटा अल्टरनेट हुआ, कंट्रास्टिंग भी बोलते हैं वर्ड, समझिए बात को, एलील क्या है। कैरेक्टर को कंट्रोल कौन करता है, जीन, और ये जो वर्ड कैरेक्टर है, मान लीजिए कि हाइट, हाइट एक कैरेक्टर है, तो हाइट को रिप्रेजेंट करने वाला दो एलील, या हाइट को रिप्रेजेंट करने वाला दो वर्ड क्या है, एक है टॉल, टॉल भी हाइट है, उसी का कंट्रास्टिंग फॉर्म, अपोजिट फॉर्म, ड्वार्फ, ड्वार्फ भी तो हाइट ही होता है, छोटा हाइट ड्वार्फ, बड़ा हाइट टॉल, तो ये तो कैरेक्टर हाइट का ही दो वेरिएंट है, बड़ा है एक, छोटा हाइट, बड़ा हाइट छोटा हाइट, ये जो दो फॉर्म है हाइट का, ये दो फॉर्म जिस चीज़ से रिप्रेजेंट होता है दैट इज कॉल एलील। तो ये जीन का ही ना अलग अलग रूप हो गया, तो वेरियस फॉर्म ऑफ ए जीन या कंट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ ए जीन, अगर समझने के लिए एच मान लेते हैं हाइट कैरेक्टर को, तो इसका एक फॉर्म है टी और एक फॉर्म है छोटा टी, और ये छोटा टी और बड़ा टी क्या है, आपस में एलील है, किसका, एच जीन का। तो एक जीन का दो या दो से एलील, दो से ज़्यादा भी एलील हो सकता है, नॉर्मली दो एलील होता है, मल्टीपल एलिज्म का केस पढ़ेंगे आगे। चलिए आप ध्यान से लेक्चर सुनिएगा, ठीक है,
सब बात समझ में आएगी, थोड़ा पेशेंस रखिए, एक ही बार सब कुछ नहीं समझ में आएगा। बस ध्यान से दो बार तीन बार लेक्चर के थ्रू जाइए, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपका पूरे बायोलॉजी में जेनेटिक्स टॉपिक सबसे स्ट्रांग हो जाएगा। राइट, ध्यान रखिएगा, बहुत मज़ेदार टॉपिक है ये, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें हम लोग को। कह रहा कैरेक्टर सेलेक्टेड बाय मेंडल, ये पी प्लांट में कौन कौन सा कैरेक्टर मेंडल साहब सेलेक्ट किए थे, उनका ये आपके एनसीईआरटी से ब्यूटीफुल क्लिप लाया गया है। ठीक है, कोशिश किए हैं कि आपको मैं रियल एक्सपीरियंस दूं। अब बोलते हैं कि सीड शेप राउंड, तो राउंड तो समझ में आता है, रिंकल वर्ड बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, तो ये एक्चुअल डायग्राम। राइट, देखिए तो सीड शेप क्या है, एक कैरेक्टर है, और इसका दो वेरिएंट नज़र आया, जैसे हाइट था ना प्लांट हाइट, इसका दो वेरिएंट देखे अभी, टॉल और ड्वार्फ। तो टॉल को रिप्रेजेंट करने वाला टी, ड्वार्फ को रिप्रेजेंट करने वाला स्मॉल टी, ये आपस में एलील है ना, तो एक एलील डोमिनेंट फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है और एक एलील रिसेसिव को रिप्रेजेंट करता है। रिसेसिव वाला फॉर्म एक्सप्रेशन में भाग नहीं लेता है, और डोमिनेंट वाला फॉर्म एक्सप्रेशन में भाग लेता है। किस कंडीशन में रिसेसिव भी एक्सप्रेशन में भाग लेगा आगे देखेंगे। देखिए इधर, ये डोमिनेंट सीड शेप में ये राउंड है ना, डोमिनेंट कैरेक्टर है, और इसी का रिंकल कैसे समझेंगे, झुर्रीदार। जैसे देखिएगा, अगर यदि आप पी प्लांट का सीड लीजिए, सीड समझ रहे हैं ना, हाँ, मटर जो लाते हैं हम लोग, और उसको जो है आप सुखा दीजिए धूप में तीन चार दिन तक, कैसा दिखेगा, दैट इज रिंकल। तो एक्चुअल में भी कुछ पी प्लांट होते हैं जिसका सीड का शेप तो राउंड होता है, लेकिन कुछ का जो है रिंकल भी होता है। राइट, तो सीड शेप दो तरह का, रिंकल एंड राउंड, याद रखिएगा। ये देखिए इधर सेट किया हुआ सीड के बारे में, तो सीड शेप और सीड कलर दो सीड पर है, दो फ्लावर पर है, और दो पोड पर है, टोटल छः, और एक है प्लांट हाइट, टोटल सेवन कैरेक्टर है। और इसको इस तरह सेटिंग किया गया है कि आपको याद रह जाएगा। देखिए ये दोनों क्या है, सीड के बारे में, ये दो क्या है फ्लावर के बारे में, और ये दो क्या है पोड के बारे में, तो याद नहीं हो जाएगा। सीड तो सीड शेप, सीड कलर, राइट, फ्लावर तो फ्लावर का कलर और फ्लावर का पोजीशन, सॉरी फ्लावर का फ्लावर कलर और फ्लावर पोजीशन, और पोड में भी पोड शेप और पोड कलर देखिएगा, और ये प्लांट हाइट, तो टोटल सेवन कैरेक्टर लिया था मेंडल। कौन कौन कैरेक्टर लिया था याद हो जाएगा, कैसे याद करेंगे, तो याद रखिए ऐसे, पहला याद रख लेते हैं प्लांट हाइट, टॉल और ड्वार्फ, दूसरा फ्लावर, फ्लावर का पोजीशन एक्जियल टी टर्मिनल, दूसरा फ्लावर का कलर, तो फ्लावर पर बेस्ट दो कैरेक्टर, इसके बाद जो है पोड जो छिम्मी बोलते हैं, पोड का कलर और पोड का शेप पर, और होता है तीसरा सीड, सीड का शेप और सीड का कलर, देखिए सब है मेंशन यहाँ पर। तो सीड का शेप राउंड रिंकल, सीड कलर येलो डोमिनेंट फॉर्म है, याद रखिएगा डोमिनेंट कौन है और रेसेसिव कौन है, और ये ग्रीन रेसेसिव कैरेक्टर है, येलो मटर जो होता है वो डोमिनेंट मटर है, और ग्रीन कलर का जो मटर होता है, हम लोग सब्जी वब्जी कहलाते हैं नॉर्मली जो बाज़ार से खरीद रहे ग्रीन कलर का है, लेकिन बाज़ार में येलो जो छोला वोला यूज होता है ना, हाँ उसमें येलो मटर यूज होता है देखते हैं नॉर्मली। फ्लावर कलर पर्पल, या इसको रेड भी बोलते हैं, ठीक है,
पर्पल या रेड, दूसरा इसका जो रिसेसिव फॉर्म है वो वाइट, फ्लावर का पोजीशन एक्जियल, देख रहे हैं, और क्या है टर्मिनल। एक्जियल का मतलब क्या है, ये प्लांट है ये साइड में फ्लावर लग गया, ये साइड में फ्लावर लग गया एक्जियल, और टर्मिनल में क्या है कि बिल्कुल ये प्लांट है तो इसके टिप पर जाके फ्लावर लग गया, देख रहे हैं टिप पर फ्लावर लग गया। और एक्जियल, एक्जियल मतलब कांख, साइड में, साइड से फ्लावर लगा। और ये प्लांट का हाइट देखिए टॉल, और वो ड्वार्फ शॉर्ट प्लांट, या इसको क्या बोलते हैं ड्वार्फ भी बोलते हैं, ड्वार्फ बोलते हैं। और क्या है पोड शेप, इन्फ्लेटेड है, क्या है ये इन्फ्लेटेड, और ये कंस्ट्रिक्टेड, कंस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या हुआ कंस्ट्रिक्टेड, सिकुड़ा हुआ, ठीक है। अगर इसको देखेंगे आप तो ये इस तरह का है, इस तरह का है ये पोड शेप, ऐसा ऐसा है पोड शेप, इसके अंदर ऐसे सीड डाला रहेगा ऐसे, और ये क्या है ये बिल्कुल तना हुआ है ऐसा रहेगा ये, राइट। और देखिए पोड कलर ग्रीन और येल्लो, आप इसको सरसरी निगाह से देखिए और इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा, याद करना पड़ेगा। यहाँ दो बात है, एक सीड का कलर और पोड का कलर, देखिए एक दूसरे का अपोजिट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है सीड में येलो कलर डोमिनेंट है, राइट, और ग्रीन कलर सीड का रिसेसिव कैरेक्टर है, लेकिन पोड के केस में उल्टा है, पोड में ग्रीन कलर डोमिनेंट है और येलो कलर रिसेसिव कैरेक्टर है, दोनों ध्यान से याद रखिएगा। मेंडल एक्सपेरिमेंटल टेक्निक कर रहा सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट, प्योर प्लांट कैसे सेलेक्ट किया मेंडल, तो उसके लिए कुछ इसे डिटेल आएगा अभी आगे। कह रहा है इंडिविजुअल ऑलवेज गिविंग सेम कैरेक्टर, टॉल प्लांट ऑलवेज प्रोड्यूस टॉल प्लांट। मेंडल जो है प्योर लाइन सेलेक्ट किया, प्योर लाइन कैसे सेलेक्ट करते हैं कि मान लीजिए कोई प्लांट टॉल है तो टॉल प्लांट को सेल्फिंग कराइए, बार बार सेल्फिंग कराते हैं, बार बार कराते हैं, फिर भी टॉल ही प्लांट आता है, इसका मतलब क्या है वो प्लांट प्योर टॉल है, राइट। तो क्या किए इंडिविजुअल ऑलवेज गिविंग सेम कैरेक्टर, टॉल प्लांट है तो ऑलवेज प्रोड्यूस टॉल प्लांट, तो बोलेंगे क्या कि ये प्लांट ये वाला टॉल है, ठीक है, तो प्योर ट्रेट या लाइन बोलते हैं। देखिए अगर इस टाइप का प्लांट है तो इसको जितना बार सेल्फिंग कराइएगा तो क्या होगा, सेल्फिंग कराएंगे तो इसी तरह के प्लांट से फिर क्रॉस होगा, होगा ना, गैमेट बनेगा टी, फिर गैमेट बनेगा टी, टी बनेगा, फिर क्रॉस कराइएगा क्या होगा ये बनेगा, फिर क्या हो गया टॉले हो गया, फिर इसको क्रॉस करेंगे फिर टॉल बनेगा, तो मतलब इसका मतलब क्या है जो पेरेंट सेलेक्ट किए हैं ये वो क्या है प्योर है, क्या है ये प्योर है, इम्प्योर बोलते हैं इस तरह वाला रहता तो बोलते हैं इम्प्योर है, ठीक है, प्योर है ये ऐसा वाला, इस तरह का प्लांट सेलेक्ट किया, तो प्योर प्लांट सेलेक्ट किया ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वाला, जैसे टॉल तो प्योर टॉल प्लांट लिया, और उसी का कंट्रास्टिंग फॉर्म ड्वार्फ तो ड्वार्फ प्लांट सेलेक्ट किया वो। अगर यदि बार बार ड्वार्फ को ड्वार्फ के साथ क्रॉस कराने से ड्वार्फ ही आता है, इसका मतलब क्या है वो प्योर ड्वार्फ है, राइट। तो देखिए ये पेरेंट सेलेक्ट किया फिनोटाइप और जीनोटाइप, ये फिनोटाइप क्या है तो एक्सटर्नल रीअपियरेंस होता है, बाहर से जैसा कुछ दिखता है दैट इज फिनोटाइप, और उसी फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करने वाला जो अंदर का इंटरनल जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन या जेनेटिक मेकअप होता है दैट इज जीनोटाइप। जैसे ये टीटी जीनोटाइप है लेकिन ये प्लांट बाहर से कैसा दिखेगा टॉल दिखेगा, तो ये टॉल क्या हो गया फिनोटाइप हो गया, ये टीटी ये जीनोटाइप है ना, लेकिन बाहर से कैसा दिखेगा तो ये भी टॉल दिखेगा, तो देख रहे हैं जीनोटाइप अलग अलग हो सकता है फिनोटाइप एक होने के लिए, ये भी जीनोटाइप शो करेगा टॉल, ये भी जीनोटाइप शो करेगा टॉल, लेकिन ये टॉल प्योर टॉल है ये इम्प्योर टॉल है। तो देखिए ये प्योर टॉल प्लांट सेलेक्ट किया टीटी, क्या ये टीटी है,
तो गैमेट बनता है, रिडक्शन डिवीजन होता है। गैमेट फॉर्मेशन के लिए अलग से क्लास लेंगे हम, जिस बच्चे को नहीं आएगा थोड़ा धैर्य रखिए। गैमेट फॉर्मेशन दैट इज इक्वेलेंट टू स्पर्म फॉर्मेशन, राइट। तो पढ़ेंगे आगे, तो ये जो बॉडी है डिप्लॉयड बॉडी है, रिडक्शन डिवीजन होता है। यहाँ गैमेट फॉर्मेशन के दौरान कौन सा प्रोसेस होता है, रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस बोलते हैं। तो टी टी से क्या बनेगा, एक टी बनेगा, और ये छोटा छोटा टी दैट इज प्योर ड्वार प्लांट, यहाँ से गैमेट क्या बनेगा, ये बनेगा, और ये आपस में फ्यूज करेगा तो बनेगा क्या, ये, और ये जायगोट, या इसको क्या बोलते हैं, एफ वन जनरेशन, या इसको हाइब्रिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो गैमेट फॉर्मेशन के लिए मैं अलग से क्लास लूँगा और काफ़ी एक्सपर्ट बन जाएंगे आप गैमेट फॉर्मेशन के लिए। बच्चों को दिक्कत होती है तो थोड़ा धैर्य रखिए। देखिए इधर करा, प्योर टॉल प्लांट एंड प्योर डॉर प्लांट को क्रॉस कराएं। देखिए यही आया, ये टॉल प्लांट आया ना, ये क्या है, टॉल प्लांट। तो फिनोटाइप टॉल प्लांट और इसी का जीनोटाइप है ये, यहाँ क्या लिखा हुआ है, जीनोटाइप लिखा हुआ है, ये जीनोटाइप। तो जीनोटाइप क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, और वही रिप्रेजेंट करता है टॉल प्लांट को। अब यहाँ लॉ ऑफ डोमिनेंस काम करता है, ये बताएंगे आगे, धैर्य रखिए, हड़बड़ाइएगा नहीं कि सर कुछ छोड़ रहे हैं, कुछ भी नहीं छूटेगा। करा सेल्फ पोलिनेशन इन हाइब्रिड, ये जो हाइब्रिड अभी लिखे थे ना, हाइब्रिड कैसे लिखे थे, देखिए इधर ये टी टी प्लांट को क्रॉस करा दिए हम लोग, स्मॉल टी से ये ड्वार प्लांट था, ये टॉल प्लांट था, यहाँ से गैमेट बना रिडक्शन डिवीजन, तो एक टी बना, ये गैमेट है, चाहे मेल गैमेट हो फीमेल गैमेट हो, ये क्या है, ये छोटा टी, ये भी गैमेट है, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, ये मेल है तो ये फीमेल होना पड़ेगा, ये फीमेल है तो ये मेल होना पड़ेगा, ये दोनों फ्यूज किया रिप्रोडक्शन के दौरान, तो ये क्या हुआ, ये बना जायगोट, क्या बना, ये जायगोट, ये इसी को बोलते हैं हम लोग एफ वन। अब ये एफ वन को ही सेल्फिंग करा रहे हैं। देखिए एक प्लांट है, मान लीजिए मेल प्लांट है, तो इसका मेल प्लांट का जो पोर्शन होता है फ्लावर में एंथर, तो एंथर के अंदर क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होगा, वहाँ होगा ना, तो बना ये स्पर्म जिसका कि जीनोटाइप है कैपिटल टी, यहाँ से एग बनेगा ओजेनेसिस, यहाँ से जो बनेगा एग उसका जीनोटाइप होगा स्मॉल टी, और ये दोनों फ्यूज किया मेल फीमेल या पोलिनेशन हुआ, पोलन ग्रैंड फीमेल के ऊपर पड़ा, सेल्फ पोलिनेशन हुआ तब भी क्या होगा, एक ही फ्लावर के एक एंथर, ये जो एंथर वाला पोर्सन है मेल वाला पोर्सन, उसी का एंथर झड़ करके इसके स्टिग्मा पड़ गया, फर्टिलाइजेशन कर दिया, हो सकता है ना। ये अब ये जो प्लांट डेवलप हुआ है इस तरह का एफ वन वाला जिसको बोलते हैं हाइब्रिड बोलते हैं, अब इसी का फ्लावर बायसेक्सुअल होगा ये भी, और इसी का मेल फीमेल आपस में फर्टिलाइज किया, तो बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है। क्या बोलते हैं इसको, सेल्फ पोलिनेशन, मतलब एक ही फ्लावर के ऊपर जो, सॉरी एक ही प्लांट के ऊपर जो फ्लावर है, एक ही फ्लावर के अंदर जो मेल फीमेल है वो आपस में पोलिनेशन कर रहा, आपस में फर्टिलाइजेशन कर रहा। तो ऐसा ही प्लांट लीजिएगा ना, तो ऐसा ही मेल भी होगा, ऐसा ही जीनोटाइप में फीमेल भी होगा, होगा ना। अब इसको क्रॉस कराएंगे, इसको मेल मान लीजिए तो इसको फीमेल मानना पड़ेगा, दो फ्लावर होगा उसमें, एक फ्लावर के अंदर मेल पार्ट फीमेल पार्ट, तो इसमें से गैमेट बनेगा तो ये बनेगा कैपिटल टी, अलग हो जाएगा, ये हेटरोटाइप है तो स्मॉल टी, यहाँ से गैमेट बनेगा तो ये बन जाएगा कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, है ना, यही चीज़ यहाँ पर किया गया है, देख रहे हैं। फिनोटाइप क्या है फोन जनरेशन का, ये, और इसको जो है सेल्फिंग करा, इसी तरह के दूसरे प्लांट से, दूसरे पार्ट से क्रॉस करवाए, तो ये गैमेट बना, ये गैमेट बना, सेल्फिंग कराए, ये चेकर बोर्ड बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, चेकर बोर्ड। अगर यदि ये मेल है तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं समझने के लिए, ठीक है, ये मेल टी है, ये फीमेल वाला टी है, टी टी क्रॉस किया, इसको और भी तरीका से करेंगे आगे, ठीक है, इसको और भी तरीका से करेंगे। जैसे देखिए इधर देखिए, ये मेल ये फीमेल,
यहाँ टी है ये, और ये स्मॉल टी है, और दूसरा ये टी है और ये स्मॉल टी। इधर मेल गैमेट को, सॉरी इधर फीमेल गैमेट, इधर मेल गैमेट, तो ये टी टी हुआ ना, और ये टी और ये टी, ठीक है, ये टी, ये टी देख रहे हैं, और ये टी और ये टी, बस वही चीज़ यहाँ पर किया गया है ना। तो ये देखिए तो क्या होगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, टॉल होगा, होगा ना, कैपिटल टी कैपिटल टी टॉल, ये भी टॉल है, हेट्रोटॉल है, ये होमोटॉल है, ये हेट्रोटॉल है, ये क्या है, ड्वार्फ है, क्या है, ये ड्वार्फ है। तो देखिए टोटल प्लांट टॉल कितना मिला, 3 out of 4 प्लांट, 3 प्लांट टॉल है और 1 प्लांट क्या है, ड्वार्फ है। तो पूछेगा फिनोटाइप, बाहर से जो दिख रहा है प्लांट दो तरह का, टॉल और ड्वार्फ, उसके बीच रेशियो क्या है, तो 3 टॉल है और 1 ड्वार्फ है, 3:1 बोलते हैं, वही दिखा हुआ यहाँ F2 जनरेशन में रेशियो क्या है टॉल और ड्वार्फ का, तो 3:1। और जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, ये फिनोटाइपिक रेशियो की बात करेंगे, ये रेशियो की बात करेंगे तो 3:1 हो जाएगा, और जीनोटाइपिक रेशियो की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेशियो की बात करेंगे तो 1:2, 2:1 हो जाएगा, क्यों कि 1 प्लांट है बिल्कुल प्योर टॉल तो 1 हो गया, 2 प्लांट है हेट्रोटॉल तो 2 हो गया, और 1 प्लांट है ड्वार्फ, है ना। तो ये जो 3 प्लांट है टॉल का, वो एक्चुअल में बाहर से देखने में एक जैसा है, फिनोटाइप एक है, लेकिन अंदर से क्या है, वो दो तरह का है, एक प्योर टीटी वाला है और 2 बड़ा टी एक छोटा टी वाला है ना, 2 प्लांट बड़ा टी और छोटा टी वाला है, और 1 प्लांट छोटा टी वाला है। रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, क्या रिजल्ट आया मेंडल को, करा F1 प्लांट रिसेम्बल्ड 1 पेरेंट था ना, F1 प्लांट एक पेरेंट से रिसेम्बल करता है, जैसे देखिए एक पेरेंट क्या था टॉल, ये थे ना, दूसरा प्लांट क्या था ड्वार्फ, ये ड्वार्फ, ये क्या था टॉल, अब क्या हुआ यहाँ से गैमेट बना होगा, गैमेट बना, और ये जो फ्यूज किया यहाँ पर क्या बना, यही ना F1 था जी, यही क्या था F1, और ये F1 कैसा दिखेगा बताइए, ये तो टॉल दिखेगा, ये टॉल दिख रहा है, तो F1 में जो रिजल्ट आता है किसी एक पेरेंट से मिलता है, जिस पेरेंट से मिलता है उस पेरेंट को डोमिनेंट पेरेंट बोलते हैं, क्या बोले ध्यान रखिएगा, One of the character which did not appear in F1 generation remain unexpressed in it. जो F1 generation में ये छोटा T वाला character expressed नहीं हुआ है, वो unexpressed है यहाँ पर। इसका मतलब ये नहीं कि इनके साथ blend कर गया है, कुछ scientist बोले थे कि ये blend कर गया, mix कर गया, लेकिन mix नहीं होता है, बस सोया हुआ पड़ा हुआ उनके साथ, जो ही मौका मिलेगा अलग हो जाएगा वो। करा इन F2 जनरेशन बोथ पेरेंटल फॉर्म ऑफ कैरेक्टर आर एक्सप्रेस्ड, जब F2 जनरेशन करेंगे तो देखिए इधर F2 जनरेशन में क्या हुआ था, F2 जनरेशन में क्या हुआ था देखिए, तो F2 जनरेशन में F1 में तो क्या F1 को क्रॉस कराए थे, तो ये टॉल प्लांट था, ये भी टॉल प्लांट था, F1 को क्रॉस कराए थे तो F1 क्या था, हेट्रोटॉल था ना टॉल, तो यहाँ टॉल प्लांट लिए, टॉल प्लांट लिए, अब जो प्रोजनी आना चाहिए वो तो टॉल ही आना चाहिए, ड्वार्फ तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि ड्वार्फ पेरेंट तो लिए नहीं है, लेकिन ड्वार्फ आता है ना, आया ना ड्वार्फ, ये ड्वार्फ का आना इंडिकेट कर रहा है कि बड़ा टी छोटा टी कुछ समय के लिए साथ है, लेकिन जो ही उसको मौका मिलेगा सेग्रीगेट करेगा, वो बाहर निकल जाएगा उनके साथ, मतलब वहां से निकल जाएगा बाहर, राइट। इन F2 जनरेशन बोथ द पेरेंट फॉर्म ऑफ द कैरेक्टर आर एक्सप्रेस्ड, जो पेरेंट का फॉर्म ऑफ कैरेक्टर था ड्वार्फ और टॉल, ये दोनों एक्सप्रेस होता है, दोनों के दोनों एक्सप्रेस होता है F2 में, F1 में कोई एक एक्सप्रेस होगा, F1 में जो डोमिनेंट है वो एक्सप्रेस होगा, लेकिन F2 में दोनों के दोनों पेरेंटल कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। करा F1 प्लांट, सॉरी कह
कह रहा है F1 प्लांट ऑफ रेसिप्रोकल क्रॉस वेयर सिमिलर। रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब क्या है, अगर एक बार प्लांट मेल को आप बड़ा लिए हैं, टॉल लिए हैं, और फीमेल को छोटा लिए हैं, तो जो रिजल्ट आएगा उसी तरह का रिजल्ट यदि फीमेल को आप बड़ा लिए मेल को छोटा लिए तब भी आएगा, दैट इज़ कॉल्ड रेसिप्रोकल क्रॉस। तो वो रिजल्ट सेम आता है, रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो लंबी क्लास हो जाएगी, तो मैं आज का लेक्चर मैं यहाँ वाइंड अप करता हूँ, और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गैमेट बनाने के लिए सीखेंगे, लिंकेज क्या है, क्रॉसिंग ओवर क्या है, ये सब टर्म सीखेंगे, राइट। होमोजाइगस क्या है, हेट्रोजाइगस क्या है, हेमीजाइगस क्या है, ये होमोलोगस पेयर ऑफ जीन क्या होता है, बायवेलेंट क्या है, बहुत सारा टर्म इस चैप्टर में सीखेंगे। अगर ये सब चीज़ को आपने सही से समझ लिया, सीख लिया, तो फिर ये चैप्टर आपके चुटकी में। तो चलिए मैं मिलता हूँ फिर आपसे, ध्यान रखिएगा अपना।